travel in two tier cities since people have started seeing traveler as a threat. अभी तो होगा यार, अभी देखो, पर बाद में ये भी है ना कि लाइवलीहुड जो चल रहा है उनका, सब कुछ चल रहा है, वो भी बहुत सारी जगह का, मैक्सिमम जगह का ट्रैवल एंड टूरिज्म के थ्रू चल रहा है, तो वो ऐसा थ्रेट नहीं देखेंगे, पर लेकिन वो उनको भी सेफ्टी लेना चाहिए और हमको भी लेना चाहिए यार. पूरी आइडियोलॉजी जो देखो एक टेम्पररी बेसिस पे होती है, जैसे डोमेस्टिकली बात करी ना इसने, तो हमारा इंडिया में क्या होता है, आइडियोलॉजी टेम्पररी बेसिस पे होती है. जो चीज न्यूज में एकदम फर्राटे से चल रही है वो अभी एकदम हाई अलर्ट पे रहता है. अभी सीए एनआरसी का कहाँ सुन रहे हो तुम, कहीं नहीं सुन रहे हो. तो इस चीज को पॉलिटिकल टर्न नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेन चीज वही है ना कि अभी सबके दिमाग में चल रहा है कि ट्रैवलर थ्रेट है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कौन इफेक्टेड हो कौन ना इन्फेक्टेड हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है. जब तक ये चीज सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि ये सॉर्ट आउट हो ना, क्योंकि लाइक यू सेड टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का, तो ये चीज तो खत्म होगी. ये बस एक टेम्पररी आइडियोलॉजी है, तब तक सब लोग शांत रहे, इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा बाद में, अभी थोड़े टाइम तक होगा, और मेरे हिसाब से अभी सब लोगों को खुद भी कॉशियस रहना भी चाहिए. Will traveling feel the same after this? How long it will take us to get over this and have the same sense of freedom? Like I said, it will take time. अभी तुम एकदम से जैसे most probably lockdown मई तक चलेगा या extend होगा तो जून तक होगा, और जून के बाद भी एक महीना तो लोगों को लगेगा यार इस चीज से एडजस्ट होने में कि हाँ ट्रैवलर्स हैं आ रहे हैं and all that. अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, खत्म होते ही तुरंत भागने वाली कोई, बहुत सारे लोगों को निकलने में ट्रिप प्लान करने में थोड़ा डर तो लगेगा, ठीक है, डर लगेगा, हाँ डर लगेगा, और मुझे लगता है ना वो फील की बात कर रहा है कि वो फील तुमको दोबारा से पहले कैसे आएगा. मुझे लगता है कि वो फील जो आएगा ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और तुम उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है ना कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचर को तवज्जो देना, तो और वो फील और ज़्यादा बढ़ के निकलेगा. तुम 3-4 महीने कहीं निकले, और शायद कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा भी. इसके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है. तो ये बात सही है कि फील ज्यादा आएगा इनफैक्ट, क्योंकि काफी चीजें अभी कुछ महीनों से अनटच्ड हो गई है ना, एंड पीपल विल आल्सो बी वंस दे गेट यूज्ड टू द न्यू, मतलब फिर से जो रिज्यूम होगा ट्रैवल एंड ऑल, तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट उनमें भी होगा होस्ट करने में, क्योंकि कितने लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने नए लोगों से मिले नहीं, कितने लोगों ने एक जस्ट ओवर अ पॉइंट ऑफ बियर कॉन्वर्सेशन नहीं करी है लोगों से, ये भी चीज है. और दूसरा इकोनॉमी, पैसा, ट्रैवल कितना पैसा लेके आता है, तो वो चीज भी एनकरेज की जाएगी कि अभी एकदम भयंकर बजट ट्रैवलिंग एकदम से शुरू कर देना वो गड़बड़ हो जाएगा. एंड एक और चीज मेरे को बताई थी हिच हाइकिंग के बारे में, इतने लोग हिच हाइकिंग प्रेफर करते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से नहीं जाते हैं ऑल दैट, वो भी ठीक है, लेकिन वो भी अभी अवॉइड करना बहुत जरूरी है हिच हाइकिंग, क्योंकि कभी तुमको यार गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी में पूरी एक फैमिली होगी, तुमको एक तो तुम्हारे लिए खुद से एक्साइटिंग होगा कि साला 2-3 महीना लॉकडाउन में बैठे हुए हो, निकलना है, लेकिन वही है जैसा सोहम ने कहा कि एकदम धड़ल्ले से मत निकलो, थोड़ा टाइम लेके निकलो, ताकि होस्ट स्टेट या कंट्री को भी उस चीज से यूज हो. उस चक्कर में कोई निकल ही नहीं रहा सब घर में कोई आप जाएंगे फिर निकल रहे, फिर एकदम से सब निकल गए करे तो करेंगे, तो अब मोदी जी भी क्या करेंगे, करे तो करेंगे अब उसमें नया रूपया है, कहेगी इट्स हर चॉइस. इधर सुन, सो ये यार देखो ट्रैवल, देखो काफी लोग सोच रहे होंगे ना कि ट्रैवल अभी एकदम इस साल तो पॉसिबल नहीं है एंड ऑल दैट, खत्म हो गया, अब विल गिव अप ऑन दिस. कितने सारे यार यूट्यूबर्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के ही बेसिस पे चलता है. वंस दिस ऑल दिस थिंग सॉर्ट्स आउट, इवन दे आर वेटिंग फॉर द 7th अगस्त और सितंबर, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग करना है उन्हें, अब उस चीज को रिस्क तो कर नहीं सकते हैं हरी में, तो उनका भी यही मानना है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं सब थोड़ा पेशेंटली इस चीज को काम में हैंडल करें. निकलना है, सबको निकलना है, लेकिन वही है कि रिसर्च करना अब थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ बजट और स्टे अकोमोडेशन के बारे में नहीं, तुम्हें मेडिकल रिसर्च और उस जगह का पास्ट हिस्ट्री भी तुम्हें देखना पड़ेगा एटलीस्ट 2020 के एंड तक. सो दैट इज ऑल. जो सवालों के जवाब है, मेरे को 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना. चलो ठीक है.